हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्स यूट्यूब चैनल टेक न्यूज के एपिसोड 52 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश है मुझे न्यूज और लेटेस्ट मुझे अपडेट, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले न्यूज से। देखिए, पहले न्यूज जारी नोकिया की तरफ से। दोस्तों, नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन जो कि बजट स्मार्टफोन है लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है नोकिया 2.2। ये पता नहीं कैसे वर्जन निकालता है नोकिया वाले, पता नहीं कैसे वर्जन निकालते हैं 1.1 और 1.0। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मॉडल से हमें क्या लेना देना। बात करें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूंगी एक बजट स्मार्टफोन है। शुरुआत करती है इसकी डिस्प्ले से, जो आपके इसके अंदर आपको मिल जाती है 5.71 इंच की एक HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। वहीं पर बात करें प्रोसेसर की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया वो मीडियाटेक हीलियो A72, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट के अंदर कुछ हल्का दे दिया इन्होंने। और वहीं भी बात करें कैमरे की, तो पीछे की साइड में आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 13 मेगापिक्सल का, सेल्फी के लिए इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो 3000 mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है। नोच स्टार डिस्प्ले के साथ में आता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 11 जून से ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, नोकिया वालों ने बोला है कि 30 जून तक इसकी एक प्राइस चलेगी, उसके बाद में इसकी प्राइस हम बढ़ा देंगे। तो 30 जून तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2GB और 16GB वेरिएंट वाले की प्राइस है 6999 रुपीज़, यानी कि 7000 रुपये। वहीं पे 3GB और 32GB वेरिएंट वाले की प्राइस है 8000 रुपये। और वहीं पे अगर हम बात करें 30 जून के बाद में, तो दोनों स्मार्टफोन के ऊपर 700 रुपये की प्राइस ये बढ़ा देंगे। तो 30 जून तक आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे तो क्यों करोगे आप परचेज, क्या इसके अंदर कुछ कैसा खास है नहीं, ना हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है ना कुछ और। खैर, वो तो बाद की बात है। दोस्तों, बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जो कि इनका एक आने वाला स्मार्टफोन है, उसके कुछ लीक आ चुके हैं और 360 डिग्री की पिक्चर भी लीक हो चुकी है। लीक के मुताबिक इसके अंदर आपको एक ऊपर बीच में एक छोटा सा कैमरा देखने को मिलेगा और दोनों साइड में एज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि डुअल एज डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और जो पहले था उसके अंदर नोच थी, लेकिन इसके अंदर वो जो यू शेप वाली होती है नोच, वो इसके अंदर यूज की गई है। और डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, बाकी तो हमें आने के ऊपर पता चलेगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 कैसा होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है एंड्रॉइड की तरफ से। दोस्तों, एंड्रॉइड क्यू का बीटा वर्जन 4 रिलीज हो चुका है। अब ये जो बीटा वर्जन 4 है, ये पिक्सल 3A और पिक्सल 3A XL के लिए भी लॉन्च किया गया है, यानी कि जो नए स्मार्टफोन है गूगल के, उनके लिए भी इस नए एंड्रॉइड के बीटा वर्जन को रिलीज किया गया। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसके अंदर इस नए वर्जन को रिलीज किया गया है। तो बीटा एंड्रॉइड क्यू का बीटा वर्जन 4 रिलीज हो चुका है। इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है और भी काफ़ी सारे बग फिक्स किए गए हैं और काफ़ी सारे फीचर ऐड किए गए, लेकिन एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपके सामने कोई नोटिफिकेशन आता है, तो पहले क्या होता था कि आप मतलब दोनों साइड से उसको स्वाइप करके आप रिमूव कर सकते थे, लेकिन अब उसको वन साइड कर दिया, यानी कि एक ही साइड से आप उसको रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों, बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है पबजी गेम को लेके। दोस्तों, पबजी गेम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और उन्होंने मई महीने में एक दिन के अंदर उन्होंने अर्निंग की है $4.8 मिलियन, यानी कि समथिंग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 33 करोड़ रुपीज। एक दिन के अंदर इस गेम ने कमाई की है, मई महीने के अंदर इन्होंने। और इसके अलावा 4.8 मिलियन एक रफली आइडिया के जरिए बताया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये जो $4.8 मिलियन हैं, इनको भी इस गेम ने क्रॉस कर लिया है। तो पबजी गेम की जो अर्निंग है, उनका जो रेवेन्यू है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ अमेज़न की तरफ से। दोस्तों, अमेज़न ने एक नया ड्रोन तैयार किया है डिलीवरी के लिए, पैकेजिंग डिलीवरी के लिए, जो पार्सल डिलीवरी करते हैं उसके लिए उन्होंने एक नया ड्रोन तैयार किया है, यानी कि आगे चल के ये जो अमेज़न का जो नया ड्रोन होगा, इसके जरिए पार्सल प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, मैं सामने एक और अपडेट निकल गया था यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों, यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट के मुताबिक यूट्यूब क्या कर रहा है कि जो हेटफुल वीडियो है जिसके अंदर वल्गर लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो मतलब कि एक तरीके से घृणादायक जो वीडियो होते हैं, मैं शुद्ध हिंदी कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो जो हेटफुल वीडियो है उनको हटाने के लिए उन्होंने एक नया अपडेट दिया है। और वो क्या करेंगे, एक नया AI फीचर के जरिए इसे वीडियो को डिटेक्ट करेगा और वीडियो को रिमूव कर देगा। जो हेटफुल वीडियो होते हैं, जो किसी कंट्री के बारे में बुरा बोल रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को गाली गलौज कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में उस व्यक्ति के प्रति हेट पैदा कर रहे हैं, ऐसे वीडियो को यूट्यूब रिमूव कर रहा है।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली की तरफ। अगली जारी शाओमी की तरफ से दोस्तों, शाओमी का एक नया अपडेट आया है, एम आई नेक्स्ट डे गारंटी, यानी कि सॉरी मैं गलत बोल गया, गारंटी नेक्स्ट डे डिलीवरी कुछ इस तरीके से उसका नाम है, एट 49 रुपीज़। यानी कि अगर आप 49 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं सामान ऑर्डर करते वक्त, तो आपको नेक्स्ट डे गारंटी के साथ में वो पार्सल डिलीवर किया जाएगा। अब ये जो फीचर है ये सारे पिन कोड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, कुछ चुनिंदा पिन कोड के लिए उन्होंने अवेलेबल कराया है, और उन पिन कोड के ऊपर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं MI.com पे जाके, तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। दोस्तों लास्ट न्यूज़ ये न्यूज़ है नेटफ्लिक्स की तरफ से। दोस्तों नेटफ्लिक्स भी इंस्टाग्राम की तरह की स्टोरीज मोड टेस्टिंग में ला रखा, मतलब वो टेस्टिंग में चल रहा है। अब ये जो स्टोरीज मोड है इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई नई वेब सीरीज या फिर जब भी कोई मूवी रिलीज होने वाली होगी, तो उसका जो ट्रेलर है वो स्टोरीज मोड के अंदर डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज मोड होता है, व्हाट्सएप के अंदर वो स्टेटस मोड होता है, उसी तरीके से नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आपको एक स्टोरीज मोड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप आने वाली फिल्मों या फिर किसी सीरीज के ट्रेलर देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, और इसी तरह टेक्नोलॉजी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट पाने के लिए पास में बेल आइकन उसको जरा बजा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।